क्षेत्र में ओबीसी एससी एसटी में अगर एक नंबर भी ले लिया या माइनस मार्किंग भी हो गई या पांच नंबर भी 100 में से ले लिया तो वो भी व्याख्याता बन जाता था या टीचर बन जाता था। तो इसको हमने ये कर दिया है कि न्यूनतम 40% उसको अंक लाने पड़ेंगे, और अगर सरकार जैसे स्थलन देती आई है 5% का, वो स्थलन देगी तो वो स्थलन इन पे भी लागू होगा। लेकिन जो भी अब टीचर आएगा वो क्वालिटी का टीचर होगा, जिससे क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बेहतर हो सकेगी। एक तो ये चीज होगी। अभी जो एक चीज हुई है कि जो इन कैडर डाइंग कैडर जो प्रधानाध्यापक का किया जाएगा और जो वाइस प्रिंसिपल के पद हमारी सीनियर स्कूलों में किए जाएंगे, इससे 13-14 हजार टीचर्स को एक तरीके से नई भर्ती के अवसर मिलेंगे। क्योंकि 10 हजार तो आप समझ सकते हैं कि वाइस प्रिंसिपल के पद ही होंगे, तो उन व्याख्याताओं को और हेडमास्टरों को उनको प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और जो सेकेंडरी स्कूल है उसमें प्रिंसिपल की पोस्ट हो जाएगी हेडमास्टर के बजाय, तो उसकी क्वालिटी एजुकेशन भी बढ़ेगी और इतने पद भी बढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे ऐसे फैसले आज शिक्षा विभाग के नोट के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी कैबिनेट ने लिए हैं, जिससे एक मील का पत्थर आज के फैसले साबित होंगे एजुकेशन को आगे बढ़ाने में राजस्थान में और क्वालिटी एजुकेशन में। और नए लोगों को जो हमारे टीचर्स हैं, व्याख्याता हैं, हेडमास्टर हैं, सेकंड ग्रेड के हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन के अवसर प्राप्त होंगे। ये इस प्रकार से सभी शिक्षक संगठनों से इसमें हमारे द्वारा बात की गई है, और तमाम ये जो फैसले आज हैं वो मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में पारित किए हैं इनको बताने के